हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस प्रोजेक्ट चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ये चेजर सर्किट से झालर का कनेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले झालर लाइट को सामने रख लेते हैं। ये चेजर सर्किट है दोस्तों, इसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीद सकते हो। ये आउटपुट कनेक्टर है, ये जो रेड वाली वायर है वो कॉमन है, जिसे न्यूट्रल भी कह सकते हो, और बाकी ये तीनों फेस। और ये वायर मेन पावर है जो इनपुट है, जहाँ से आपको 220 वोल्ट देना है। तो चलिए इन चारों झालरों की कनेक्शन मैं इससे कर देता हूँ। सभी झालरों की एक एक वायर को एक साथ जोड़ के कॉमन कर लेते हैं। ये मैंने चारों झालरों में से एक एक वायर को एक साथ जोड़ दिया है। अब इसे कनेक्टर के कॉमन में जोड़ देते हैं। अच्छी तरीके से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं उसे। झालर की न्यूट्रल वायर की कनेक्शन हो गया। अब फेस वायर को तीनों कनेक्टर में एक एक करके लगाते जाना है। पहला कनेक्टर में रेड झालर की वायर जोड़ देते हैं, उसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। दूसरा कनेक्टर में ग्रीन वायर, जो ग्रीन एलईडी का है, तीसरा कनेक्टर में ब्लू वायर, जो ब्लू एलईडी का है, उसको जोड़ देते हैं और अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। येलो रंग के झालर को फर्स्ट कनेक्टर में जोड़ देते हैं। कॉमन के जो जस्ट सेकंड वाला फर्स्ट कनेक्टर है, उसमें टाइट कर देते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से जोड़ना होता है। इसमें आप बहुत सारे झालर को एक साथ जला सकते हो। ये चेजर सर्किट 2000 वाट कैपेसिटी का है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखो, बहुत अच्छे तरीके से ये लाइट जलने लगा है दोस्तों। शायद रेड झालर की वायर निकल चुका है, इसको लगा देते हैं उसमें। ये देखो, ये भी कनेक्ट हो गया। इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इसमें एक एडजस्टेबल स्विच दिया है, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो आप।